हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कॉर्न सैलेड। यह टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है, बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो देखते हैं यह किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे आधा लाल शिमला मिर्च लिया है, जिसको मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया है। हमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए सारे बड़े क्यूब्स में कटे हुए चाहिए। आधी मैंने यहाँ पे हरी शिमला मिर्च ली है, 2 से 3 बेबी कॉर्न लिए हैं जिनको मैंने सर्कल में काट लिया है, 1 कप स्वीट कॉर्न लिया है, आप चाहे तो फ्रोजन भी ले सकते हैं। आधा मैंने पीली शिमला मिर्च ली है क्यूब्स में कटी हुई और 10 से 12 मैंने यहाँ पे ब्रोकली के फ्लोटर्स लिए हैं। 200 ग्राम पनीर लिया है क्यूब्स में कटा हुआ और 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 नींबू का रस, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे, हम इसमें स्वीट कॉर्न डाल देंगे, 2 कप हम इसमें पानी डालेंगे, 1 कप स्वीट कॉर्न में 2 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने देंगे। सीटी आ गई थी, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, अब इसका सारा प्रेशर निकल गया है। हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। अब हम इसमें जो भी हमने बेजी ली थी, बेबी कॉर्न, शिमला मिर्च, ब्रोकली, हम इसके अंदर डाल देंगे। हम इसके अंदर पनीर नहीं डालेंगे, सारी बेजी को हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हम ऑन नहीं करेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिलाकर हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्लेम को हमें ऑन नहीं करना है। 10 मिनट हो चुकी हैं, हमारी जो बेजी है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे छलनी में छान लेंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, मैंने इसमें 1 चम्मच बटर डाल दिया है। जो ये सैलेड है इसमें बटर का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप कोशिश करके ऑयल या घी यूज़ ना करें। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ये बेजी डाल देंगे जो हमने स्ट्रेनर में छान के रखी थी। अब हम इसमें पनीर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और हमने जो नींबू का रस लिया था हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। बहुत टेस्टी बनता है और काफ़ी हेल्दी भी है। आप देख सकते हैं हमने सारी इसमें बेजी यूज़ की हैं, बहुत डिलीशियस बनता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें। और हम हाई फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे जिससे जो इसमें मॉइस्चर है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा और टेम्पटिंग बनाने के लिए 1/2 चम्मच धनिया डाल देंगे जिससे जो हमारा सैलेड है वो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से आप एक बार ये कॉर्न सैलेड बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और बना के मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए जिससे मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।